दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड वी डोंट नॉट रिकमेंड यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रिडिक्शंस. प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेस. सो वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनवेस्ट. उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग डेज अच्छे जा रहे होंगे. अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर करते हैं, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा. निफ्टी हमने कल आपको कहा था हो सकता है बियरिश मूव दिखाए, जो कि आज इसने बियरिश एक मूव दिखाया. फ्लैट क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, जो प्रीवियस क्लोज था उसके आसपास ही कुछ 5-6 पॉइंट नीचे ही ये क्लोज हुआ है. तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस इसमें है नहीं आज फ्लैट क्लोजिंग में देखा जाएगा. कल हो सकता है निफ्टी दोबारा से जो है एक बियरिश मूव दिखाए. बियरिश मूव दिखाने के बाद जो एट द एंड में जो मार्केट है वो पॉजिटिव हो जाए, या फिर हो सकता है एक गैप अप आपको देखने को मिले. कल गैप अप ओपन होने के बाद जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा कंटिन्यूसली बढ़ जाए, देखते हैं क्या होता है. बाकी मैंने आपको कुछ लेवल्स प्रोवाइड किए थे, आइए उनके भी जान लेते हैं हम. तो सबसे पहला लेवल जो आज के लिए प्रोवाइड किया था वो था JSW स्टील. ये मैंने आपको प्रोवाइड किया था व्हाट्सएप में, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा. मॉर्निंग में मैं लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ मिड कैप में, जिनमें आपको 1.5 से 2% का रिटर्न मिलता है. तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा. कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो फ्लैट मार्केट पे वर्क कर जाते हैं कभी कभार, जब हालांकि उनका जो मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है, बट 80% तो एक्यूरेसी रहती है. JSW स्टील की बात करें, 708 पे से शॉर्ट करना था, लो बनाया है 688 का. जिंदल स्टील की बात करें, जिंदल स्टील को शॉर्ट करके चलना था 404 पे, लो बनाया है 390 का. हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, हैप्पीएस्ट माइंड को शॉर्ट करके चलना था 865 पे, लो बनाया है इसने 840 का. कैनफिन होम में थोड़ा हमारा जो था स्टॉक जो था, ये वैसे तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट देने वाला स्टॉक है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट अप एंड डाउन करता है, बट ये आज जो था फ्लैट मार्केट पे चल गया. उम्मीद है कल ये अच्छा मूवमेंट आपको दे देगा. अगर ये मूवमेंट की लिस्ट में रहा मेरी कल, तो मैं इसको दोबारा प्रोवाइड कर दूंगा. ये जो स्टॉक्स थे ये मिड कैप वाले स्टॉक्स, ये आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मैंने आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड किए थे. डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं मिड कैप के स्टॉक्स के लिए, मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, मिनिमम 1.5% से 2% के जो स्टॉक का रिटर्न है वो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे स्टॉक देते ही देते हैं, जो कि और जो मेरे लेवल्स रहते हैं उनकी एक्यूरेसी 80% रहती है. तो बाकी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा. कैनफिन होम में हमारा थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा. आके थे हमारा ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, इसका मैंने लेवल चेंज कर दिया था, आपको याद होगा. इसका लेवल जब चेंज किया तो इसका शॉर्ट सेलिंग की वैल्यू आई थी 1190 की, और इसने लो बनाया अपना 1176 का. 1175 पे हमारा सेकंड टारगेट प्राइस था, वही अचीव नहीं कर पाया, बट ठीक था, जो भी था ठीक था, बाई साइड का इसने ट्रिगर नहीं किया था. पॉलीप्लेक्स की बात करें, पॉलीप्लेक्स मैंने लेवल आपको कल कहा था कि ये अगर लेवल जो है 1118 के नीचे जाता तो अच्छा मूव आपको बियरिश मूव देखने को मिलेगा. तो इसमें बियरिश मूव देखने को मिला 1095 या 1094 समथिंग पे इसने अपना लो बनाया. श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट मैंने यही कहा था कि अगर आपको कल बियरिश मार्केट मिलता तो ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा. तो सपोर्टिव रहते हुए बियरिश मार्केट इसको मिला, निफ्टी नेगेटिव, इसको बियरिश मार्केट मिला, इसने अपना लो बनाया है 1392-1388 समथिंग का लो बनाया, और 1418 पे हमें शॉर्ट करना था. लगभग 20-30 पॉइंट से भी आपको देके चले गया था. तो ये थे हमारे कुछ रिजल्ट. बाकी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में दो लेवल्स में वहीं अपलोड करता हूँ, और जो भी लेवल में चेंजेस होते हैं वो मैं वहीं पे अपलोड करता हूँ. सो 2 जुलाई 2021 के लिए कुछ पहला लेवल जो हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है हमारा ग्रेसिम. ग्रेसिम में देखिए, अगर बायर्स की मैं पोजीशन बताऊं तो लास्ट के आपको लगा सकते हैं 15 मिनट में जो बायर्स थे काफ़ी एक्टिव रहे हैं, और अगर हम ट्रेंड की बात करें, ये बायर्स ने इसकी अप ट्रेंड करने की कोशिश करी है 12 से 12 बजे से लेकर ये अप ट्रेंड में ही रहा है. हालांकि बीच में सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करी, एट द एंड में बायर्स अपने एक्टिव हो गए. तो मान के चलते हैं कि कल हो सकता है स्टॉक जो है गैप अप ओपन हो करीबन 1453-1454 के समथिंग. गैप अप ओपन होने के बाद जो है इसका स्टॉक लेवल जो अगर हमारी बाइंग प्राइस से एक्सीड कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तो मैं लेवल चेंज करके टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा. ये ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस शिफ्ट करना पड़ेगा. वहीं शॉर्ट सेलिंग की बात करें तो हो सकता है दो कंडीशन है, एक तो यह है कि गैप अप ओपन होकर ऊपर बढ़ जाए, दूसरा है कि गैप अप ओपन होने के बाद सेलर्स जो हैं इस पर सेलर की प्रेशर बनाए, बायर्स जो हैं अपनी पोजिशन एग्जिट करके सेलर्स जो है अपनी पोजीशन बना ले, और उसके बाद दोबारा से जो फ्रेश बायर्स हैं वो अपनी पोजीशन बनाना शुरू करें और दोबारा से ऊपर ले जाएं स्टॉक को. डिपेंड करता है निफ्टी क्या जाता है, अब बुलिश रहता है कि बियरिश. निफ्टी डाउन रहता है तो हो सकता है यहीं से आपका जो है डाउनफॉल होना शुरू हो जाए. जो भी होगा देखते रहेंगे, दोनों लेवल्स हमारे पास है, निफ्टी को ट्रेस करते रहेंगे. फ्लैट मार्केट पे वर्क करता है तो इस स्टॉक पे हम ट्रेड नहीं करेंगे. निफ्टी फ्लैट चलता है तो देखेंगे स्टॉक पे मूवमेंट हो रही है कि नहीं, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे.
ग्रेसी में मैंने जैसा आपको बताया बाय करके चलेंगे 1455 के ऊपर, एग्जैक्ट 1455 पे आप इसे बाय नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस रहने वाला आपका 1443 का, यानी कि 1442 समथिंग पे अपना स्टॉप लॉस मानेंगे, एग्जैक्ट 1443 पे नहीं मानेंगे। टारगेट रहेगा 1461 का, 1417 और 1480 का। शॉर्ट सेल करके चलेंगे इसे हम 1442 के नीचे, यानी कि 1441 समथिंग पे, 1442 पे एग्जैक्ट इसे शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1454, टारगेट रहेगा 1436, 1425, 1415 का। स्टॉप लॉस आपका जो है 1455 पे मान के चलिए कि आपको लगाना है। अब आप बोल रहे होंगे कि स्टॉप लॉस और बाइंग प्राइस, यानी कि शॉर्ट सेलिंग की साइड का स्टॉप लॉस और बाइंग प्राइस के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब मार्केट खुलेगा तो या तो वो शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट करेगा या फिर आपके बाइंग साइड का, और एक बार बाइंग साइड का लेवल ब्रेकआउट हो गया तो वो टारगेट अचीव करने के बाद ही डाउन आएगा, तो आप उस समय ट्रेड से बाहर होंगे, तो आपको कोई भी मुसीबत नहीं आएगी अपने शॉर्ट सेलिंग का लेवल लेने में। अगला स्टॉक है हमारा टाटा स्टील लॉन्ग प्रो, आप सर्च मार के देख लीजिएगा, टाटा स्टील अलग है और टाटा स्टील लॉन्ग प्रो अलग स्टॉक है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रो की मैं बात करूं तो इसने लास्ट के जो आधे घंटे इसमें बायर्स ने अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करी है, हालांकि जो आज इसका ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में था, सेलर्स काफ़ी एक्टिव रहे आज इसमें। बायर्स ने अपनी पोजीशन बनानी शुरू करी 12 बजे, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश तो करी पर सेलर्स ने इसको होल्ड कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है कल भी सेलर्स, अगर निफ्टी नेगेटिव जाता है तो सेलर्स एक्टिव रह के स्टॉक जो है गैप ओपन होने के बाद यहाँ से डाउन आ जाए। पहली कंडीशन ये रहती है, लेवल ब्रेकआउट करेगा 912 का तो आप इसे शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। बाइंग साइड में हो सकता है कि निफ्टी पॉजिटिव वो स्टॉक जो है गैप अप ओपन हो जाए, बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, ये बाय साइड का लेवल ब्रेकआउट करे। बाय साइड का लेवल बन रहा है हमारा 924 का, ये लेवल ब्रेकआउट करते ही अच्छा खासा आपको मूवमेंट देने वाला है। दो कंडीशंस इसमें मैंने बता दी, तीसरी कंडीशन ये भी हो सकता है कि फ्लैट मार्केट पर चले, डिपेंड करता है निफ्टी कैसा चल रहा है। निफ्टी पे सबकी चीज़ आजकल डिपेंड है, तो निफ्टी को ट्रेस जरूर करते रहिएगा, वो डाउन जा रहा है, अप जा रहा है या फिर फ्लैट मार्केट पे वर्क कर रहा है। अगर फ्लैट मार्केट पे वर्क करता है तो आप सीधा सीधा उस स्टॉक को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, अपनी ट्रेड आज मत कीजिए, कल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूं, अपना स्टॉप लॉस ट्रायल करना बहुत ज़रूरी है। अपना स्टॉप लॉस सीधा ट्रायल करेंगे आप फर्स्ट टारगेट प्राइस पे, स्टॉप लॉस से जहां आपका स्टॉप लॉस मैंने दिया है उससे सीधा फर्स्ट टारगेट प्राइस पे आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे। रीज़न बीइंग कि अगर स्टॉक जो है रिवर्सल आता है, स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिलता है, तो आप जो है लॉस को सामना आपको बिल्कुल ना करना पड़े, इसलिए आपको जो है अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। यस, सो टाटा स्टील लॉन्ग प्रो का हमारा जो बाइंग का लेवल है, जैसे मैंने आपको बताया 924 का स्टॉप लॉस, 916 टारगेट रहेगा, 928, 936, 944 पहला टारगेट प्राइस स्मॉल एज यूजुअल, ताकि रिवर्सल देखने को मिले तो हम जो है प्रॉफिट में ही बाहर आए। शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 912, 990 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 908, 900 और 892 का आपका टारगेट प्राइस रहेगा। अपना स्टॉप लॉस ट्रायल जरूर करते रहिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी के दो लेवल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे मॉर्निंग में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा। हमारे साथ इंटरडे करना चाहते हैं मिड कैप के स्टॉक्स के साथ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा। खासियत यह है कि 1.5% से 2% का रिटर्न रहता ही है, मिड कैप के स्टॉक्स रहते तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं लगती और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाता है। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।